नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड। और वीवो ने इंडिया में वी 5S को लॉन्च कर दिया है, तो आइए देखते हैं क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसकी प्राइस, आप इसे कहां से खरीद सकते हैं, क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर आपको ये खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये V5S जो है वो V5 का सक्सेसर है, यानी कि जो Vivo V5 था उसका ये अगला वर्जन है फ़ोन का। और इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ अपग्रेड बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, केवल आपको मेमोरी का बड़ा अपग्रेड मिलेगा, इंटरनल मेमोरी उसमें 32 GB, इसमें 64 GB दे दी, बाकी कैमरा के कुछ मोड्स वगैरह। और जो फ्रंट फ्लैश था इसमें ज़्यादा तेज अच्छा फ्रंट फ्लैश है, और बहुत कुछ इसमें अपग्रेड नहीं है। तो पहली बात तो अगर आपके पास V5 है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं अपना फ़ोन बदलने की। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशंस की। तो प्राइस इसकी जो V1 रखी है वो 18,990 रुपए रखी है, यानी कि 19,000। और इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है, इसका प्रोसेसर मीडियाटेक का बेकार सा प्रोसेसर है, 6750 1.5 GHz पे ये क्लॉक स्पीड है इसकी, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और आसानी से चाहते तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दे सकते थे, लेकिन फायदा कमाना है तो मीडियाटेक का प्रोसेसर दे दिया। इसके अलावा इसमें 4 GB रैम है, आपको 64 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। आपको मैंने बताया V5 में 32 GB मिली थी, तो इसमें ये डबल हो गई है, जिसमें 50 GB करीब आपको यूज के लिए अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं 256 GB तक माइक्रो SD कार्ड के जरिए। और हालांकि इसमें कोई अलग से स्लॉट नहीं दिया हुआ है, हाइब्रिड स्लॉट है, जो ड्यूअल सिम वाला स्लॉट होता है, उसमें एक स्लॉट में आप या तो सिम लगा लीजिए और या तो माइक्रो SD कार्ड लगा लीजिए, और इसे आप 256 GB तक इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और इसमें अभी एंड्रॉयड 6.0 ही दिया हुआ है, इसमें एंड्रॉयड 7 नुगट नहीं दिया, और उसी पे बेस्ड इसका फन टच OS जो है वो इसमें है इसकी स्किन। और 3000 mAh की बैटरी है, और इसमें 5.5 इंच की सिर्फ 720p स्क्रीन दी हुई है, HD स्क्रीन, IPS LCD पैनल है, 2.5D कर्व्ड ग्लास से ढका है। तो इस तरह से HD स्क्रीन दी हुई है, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा नहीं है इसका कोई बड़ा तेज, तो 3000 mAh की बैटरी अच्छी चल जाएगी इसमें, आपको एक दिन तो आराम से चल जाएगी। लेकिन इस दाम में ये स्पेसिफिकेशंस बहुत खराब है, और 7.5 mm इसकी थिकनेस है, 154 ग्राम वेट है इसका। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर की, जिसका प्रचार किया गया और जिसके लिए मतलब वीवो ओप्पो वगैरह दिन भर प्रचार करते हैं, इसकी सेल्फी कैमरे की। तो इसमें 20 MP का फ्रंट कैमरा है, 20 MP का फ्रंट कैमरा आपको f2.0 एपर्चर के साथ में मिलेगा, सोनी IMX376 सेंसर इसमें दिया हुआ है, और इसमें फ्लैश जो है वो V5 से ज्यादा अच्छा दिया है, V5S में फ्लैश, और इसे मूनलाइट फ्लैश बता रहे हैं वो लोग, हर कैमरे में ही अपना बताते हैं, हर मोबाइल के फ्रंट कैमरे में बताते हैं मूनलाइट फ्लैश, तो बस नाम देना है उनको और क्या। लेकिन अभी शुरुआती जो टेस्टिंग हुई है उसमें ये फ्लैश V5 से अच्छा है, और ये फ्रंट कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 720p से लेकर 180p यानी फुल HD तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। और रियर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरा जो है 13 MP का है, उसमें जो फ्लैश आपको मिल जाएगा, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस मिल जाएगा, तरह तरह के मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, अल्ट्रा HD और HDR मोड वगैरह जो नॉर्मल होते हैं। और अभी आप इसे अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं 18,990 रुपए में, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि आपको वीवो के फोन्स लगभग हर मार्केट की दुकान पे मिल जाएंगे, और ऑनलाइन MRP पे ही ये फोन मिल रहा है, जितनी MRP इसकी है उस पे, और दुकान पे आपको ये फोन सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत कमीशन मिलता है और वो छोड़ देते हैं कुछ पैसा। तो अभी बात कर लेते हैं क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए। तो अगर आप सोशल मीडिया पे ही जीते हैं दिन रात, आपको सेल्फीज लेने और पोस्ट करने का शौक है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप दिन रात सेल्फीज ही पोस्ट करते रहते हैं, तो आप ये फोन ले सकते हैं, वरना ये फोन आपके बहुत मतलब का नहीं है, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस इसकी नहीं है। और कुल मिला जुला के वीवो और ओप्पो के अन्य फोन्स की तरह ही, वीवो के जितने और फोन्स हैं उसकी तरह ये भी ओवर प्राइस्ड फोन है, आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता, जितनी वैल्यू मिलती है उससे बहुत कई गुना ज्यादा मनी आपसे ले रहे हैं ये। और अगर मैं आपसे सीधे बात करूं रेडमी नोट 4 की ही, तो वो आपको 13-14 हज़ार में सेम मेमोरी, सेम रैम और प्रोसेसर, इससे कई गुना अच्छा स्नैपड्रैगन का 625 उसमें मिल जाता है आपको, और रियर कैमरा लगभग सेम ही है, केवल उसका फ्रंट कैमरा जो है ये वीवो का उससे अच्छा है, और उसके बदले ये आपसे 5,000-6,000 ज्यादा रुपया लेंगे। तो सिर्फ सेल्फीज के लिए अगर आपको फोन लेना है तो आप ये फोन ले सकते हैं, वरना ये फोन बिल्कुल बेकार है, ओवर प्राइस्ड फोन है। तो ये था Vivo V5S के लॉन्च का वीडियो, और किस तरह से इसकी प्राइस क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। और इसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दी होती है, आपको बस उसे क्लिक करना है,
और आपको जो भी वीडियो मैं आगे रिलीज करूंगा उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और इसके अलावा अभी मैं स्क्रीन पे कुछ और वीडियोस देखे जा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप ये वीडियोस देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ हम मिलेंगे ऐसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।